अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलते रहें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद हार्ट में। आज हम बना रहे हैं सेब का जैम यानी एप्पल जैम। एप्पल जैम बहुत टेस्टी और यम्मी रहता है, बच्चों में तो यह ख़ास पसंद किया जाता है। एप्पल जैम बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के सेब लिए हैं। देखिए डेलीशन अच्छे वाले सेब हैं, एकदम फ्रेश। ये 500 ग्राम सेब हैं। इस 500 ग्राम सेब पे यहाँ मैंने 300 ग्राम शक्कर ली है। देखिए ये एक नींबू है, इसका हम जूस लास्ट में यूज़ करेंगे। ये कलर है ऑरेंज कलर फूड है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ करें नहीं तो नहीं करें। कलर यूज़ करने से इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। इस आइए हम बनाना शुरू करते हैं एप्पल जैम। एप्पल जैम बनाने के लिए सबसे पहले हम एप्पल को छील लेंगे। देखिए हमने इसको छील लिया है, अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। इसी तरह हम अपने सभी एप्पलों को छील के और कद्दूकस कर लेंगे। हमने सभी एप्पलों को छील के देखिए इसको कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक नॉन स्टिक पैन लेंगे, गैस पे रख देंगे, गैस ऑन कर देते हैं। अब जो ये घिसा हुआ कद्दूकस किया हुआ एप्पल है वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा हिला के सेकेंगे। इसका पानी जब सूख जाए तो हम इसमें दूसरा नॉर्मल पानी ऐड करेंगे। देखिए हमने थोड़ा सा इसमें नॉर्मल पानी डाला है, हमें पानी इसमें इतना डालना है कि ये अच्छे से गल जाए। हमको मैश किया हुआ एप्पल चाहिए। हमने और थोड़ा सा पानी इसमें बढ़ा दिया है। अब हम इसे ढक के फुल फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोल के चेक करते हैं। अभी भी इसमें पानी है, देखिए। हमको बहुत अच्छा गला हुआ चाहिए इसलिए हम इसको ढक के 2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि और बहुत अच्छे से गल जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए अब इसमें पानी भी कम हो गया है और ये अच्छे से गल भी गया है। अब हम इसको खुला ही पकाएंगे हिलाते हुए। देखिए ये थोड़ा सूख गया है और बहुत अच्छे से मैश भी हो रहा है। हम इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से कढ़ाई फ्राई पैन में ही मैश करते जाएंगे। देखिए बहुत अच्छे से मैश हो रहा है, बहुत अच्छा गल गया है ये। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। जैम में शक्कर ज़्यादा लगती है इसलिए हमने 300 ग्राम शक्कर ली है। अब हम शक्कर डाल के लगातार इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये पैन में लगे नहीं। अब हम इसमें कलर फूड कलर ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने ऑरेंज कलर लिया है, आप चाहे तो रेड कलर का भी यूज़ कर सकती हैं। देखिए शक्कर भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको लगातार चलाते हुए खुला ही पकाएंगे। अब हम इसको ड्राई होने तक पकाएंगे हिलाते हुए। ये जैम का रूप ले रहा है, देखिए देखिए ये बहुत अच्छे से बन गया है, इसने बिल्कुल जैम का रूप ले लिया है। देखिए ये चम्मच पे लेके डालने से एकदम थक्के से गिर रहा है, ये एकदम पक्के तैयार है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है, अब हम इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे। नींबू का रस डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आइए अब हम इसे सर्व करते हैं।
हमारा यम्मी टेस्टी एप्पल जैम बनके तैयार है। आइए, घर पे बनाया हुआ एप्पल जैम है इसलिए बहुत हेल्थी है। आप भी इसको अपने घर पे बनाइए और बनाकर 15 दिन के लिए एयरटाइट जार में रखकर फ्रिज में स्टोर करिए। 15 दिन के लिए आप इसको रख सकती हैं और आप ये अपने बच्चों को ब्रेड, रोटी या नान के साथ इसे सर्व कर सकती हैं। आप चाहें तो इसको लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है लंच बॉक्स में देने के लिए। आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। आप अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।